Hi, my name is Nidhi and welcome to my channel. इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं थोटा भी गोइंग टू गेट वी विल गेट अ सेट ऑफ होल नंबर अब यहां पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो जो f डैश x नॉट है दिस विल कम आउट टू बी 8 आज के वीडियो में मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगी कैसे मैं टीचिंग वीडियोस क्रिएट करती हूं स्टार्टिंग विद अ बेसिक व्हाइट बोर्ड सेटअप जो कि मैं पहले यूज करती थी और अभी वाले वीडियोस जो मैं ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड ऐप्स पे क्रिएट करती हूँ जो मेरा इनिशियल सेटअप था क्लासेस का उसमें मैं क्या करती थी आई वुड हैव दिस व्हाइट बोर्ड और यहाँ मेरे पास एक विंडो है जिसमें ये रॉड्स अवेलेबल थी तो मैंने क्या किया था आई हैड टेकन दीज टू एस रिंग्स ये ईजिली मिल जाते हैं तो उन दोनों रिंग्स को इस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड के दोनों हुक्स में इसको लगा के ये जो रॉड्स थी इसमें इस बोर्ड को इस तरह से सिक्योर कर दिया था तो इस तरह से क्या होता था एक हाइट भी मिल जाता था बोर्ड पे लिखने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए और दूसरा ये बोर्ड भी गिरता नहीं था सिक्योर रहता था एक प्लेस पर रहता था तो ये तो था मेरा व्हाइट बोर्ड का सेटअप नाउ द नेक्स्ट थिंग वॉज द ट्राईपॉड उसके लिए मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ लोअर बजट रेंज ट्राईपॉड ओनली तो मैंने ये वाला ट्राईपॉड लिया जिसमें मुझे ये मोबाइल के लिए अटैचमेंट भी मिल रहा था जनरली ट्राईपॉड में ये नहीं मिलता है और दूसरी चीज़ जो इसकी लेंथ है वो एक्सटेंड भी इजीली हो सकती है जो एडजस्टेबल है बट स्टिल इसकी लेंथ इतनी नहीं थी कि मैं इससे वीडियो को सामने रख के रिकॉर्ड कर सकूँ सो आई वुड हैव टू प्लेस दिस ट्राईपॉड ऑन अ टेबल इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है दैट इज़ द ऑडियो क्वालिटी जो आपका वीडियो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी आना चाहिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियोस थे उसमें मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया है डायरेक्टली मैंने मोबाइल को प्लेस किया ट्राईपॉड पर एंड आई वुड स्टार्ट गिविंग माई लेक्चर लेकिन उसके बाद आई फेल्ट दैट कि ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है साउंड में एको भी आता था और बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आता था तो फिर देन आई स्विच टू दिस बोया माइक जिसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड आफ्टर गेटिंग दिस बोया माइक मुझे किसी और माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतनी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ इसके बाद आता है कैमरा जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उसके लिए आई यूज़ माई मोबाइल आई वुड सजेस्ट आप भी अपने मोबाइल कैमरे से ही वीडियो रिकॉर्ड करें लेटर ऑन यू कैन बाय अ कैमरा ओनली इफ इट इज़ नीडेड इसके बाद आता है लाइटिंग वो बहुत ज़रूरी फीचर होता है आपके पूरे वीडियो प्रोसेस के लिए यदि आपके वीडियो में प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही है तो आप कितना भी अच्छा वीडियो क्रिएट करेंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगेगी तो यदि आपका कोई एक ऐसी जगह आपको मिल रही है जहाँ पे नेचुरल डे लाइट आ रही है वो तो बेस्ट होगा बट ज़रूरी नहीं ये सबके लिए पॉसिबल हो तो उस केस में यू कैन यूज़ द नॉर्मल ट्यूबलाइट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस रिंग लाइट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं दिस इज़ माई रिंग लाइट और ये इसमें एक स्टैंड है जिसमें हम मोबाइल को लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिंग लाइट इज़ दिस ट्राईपॉड जो कि इसके साथ में आ रहा है एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये आपको बहुत अच्छी हाइट प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी ये तीन मोड आपको मिलेंगे लाइट के जो कि आप इस बटन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं अलॉन्ग विद दैट जो लाइट की ब्राइटनेस है उसे भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं तो ये था मेरा पुराना सेटअप अब जो मैं लेक्चर्स लेती हूँ उसके लिए आई यूज़ दिस ग्राफिक टैबलेट आई ऑलरेडी हैव टू ऑफ देम एक है वैकम और दूसरा है ये डेको 01 V2 और दिस इज़ माई लैपटॉप विच इज़ लेनोवो फ्लेक्स टच स्क्रीन लैपटॉप इसको 5 से 6 साल हो गए इस लैपटॉप को इट वर्कड वेरी वेल अप टिल नाउ बट रिसेंटली ये जो टच पैड है इसका ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल काम नहीं आता है और हर चीज़ के लिए आई कैनॉट यूज़ द टच स्क्रीन फीचर फॉर दिस तो मैं माउस को यूज़ करती हूँ एट टाइम्स जब एडिटिंग करना हो या फिर कुछ और इस तरह का काम हो
इसमें बैटरी का भी इशू रहता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इसकी। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं इस लैपटॉप के बारे में, बट मैं इसी कारण से इसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो इसका प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा था और दूसरी चीज़ जो इसके फीचर्स हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। लेनोवो से बेटर आई प्रेफर डेल, और जो HP के लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आई वुड से प्रेफर अ डेस्कटॉप इंस्टेड ऑफ अ लैपटॉप। तो इस वाले सेटअप में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक माइक चाहिए, एक टैबलेट चाहिए और आप कंप्यूटर पे किसी भी वाइट बोर्ड ऐप पे पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन वाइट बोर्ड्स, सॉफ्टवेयर्स और टीचिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आई हैव अ प्लेलिस्ट ऑनलाइन टीचिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। इसमें आपको ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसे ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आएगी। सो दिस वॉज माई सेटअप टूर, होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और दूसरी चीज़, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, थिंक आई ट्राई टू गिव देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट। और दूसरी चीज़, अभी बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ऑनलाइन सेल चल रही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, काफ़ी अच्छा प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। दिस इज निधि, थैंक यू फॉर वॉचिंग।